बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में केस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और आज है 1 फरवरी सन 2021 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों कल से लेकर अब तक 24 घंटे के दौरान जो न्यू केस निकले हैं वो निकले हैं 198 यानी 198% के, और अब तक जो टोटल केस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,34,524 अफराद के, यानी 1,34,524% के। और दोस्तों अगर वफात की बात करें जो कल से लेकर अब तक यानी 24 घंटे के दौरान न्यू हुई हैं, तो वो हुई हैं 3 अफराद की यानी 3%, और अब तक जो टोटल वफात वाकया हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 1,532 अफराद की यानी 1,532% की। और दोस्तों अगर रिकवरीज की बात करें जो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान न्यू हुई हैं, तो वो हुई हैं 95 अफराद की यानी 95% की, और अब तक जो टोटल रिकवर हो चुके हैं, सेहतमंद हो चुके हैं, वो हैं 1,26,949 अफराद यानी 1,26,949%। और दोस्तों अगर बाकी मरीजों की बात करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, तो उनकी तादाद है 6,043 यानी 6,043%। और दोस्तों अगर हॉस्पिटल की बात करें जो कल से लेकर अब तक 24 घंटों के दौरान न्यू एडमिट हुए हैं, तो वो हुए हैं 11% यानी 11 अफराद, और अब तक जो टोटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनकी तादाद है 92 यानी 92। और दोस्तों अगर आईसीयू की बात करें जो इंतहाई निगेदाश्त हालत में इस वक्त मौजूद हैं, तो वो हैं टोटल 22 अफराद यानी 22%। दोस्तों आपके साथ ओमान का कोई भी महकमा इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि आप मौजूदा बीमारी से कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे दूसरों को रख सकते हैं, तो प्लीज़ उसको फुल फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको खुदा ना खास्ता इस बीमारी जो मौजूदा बीमारी है इसके कोई भी अलामत ज़ाहर हों, या फिर इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम बुखार हो, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के साथ राबता करें, और जो भी आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है उसको ज़रूर उस पर अमल करें और उसको फॉलो करें। इसके अलावा जितने भी रूल हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको मस्ट फॉलो कीजिएगा ताकि आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो सके। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।